हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर रिट्रीट सेंटर, जिसको हम ओम शांति बोलते हैं, तो उनके यहां से कुछ मेंबर्स आए हुए हैं, एनजीआईवी, वो उसके बारे में बताएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, तो प्लीज आप मेरे ब्लॉग को देखते रहें और कंटिन्यू मैं आपको चीजें सूचना दूंगा। थैंक यू। आध्यात्मिक से और मैं आपको छोटा सा होम शांति आ गया। जैसा कि मैंने अपने खेत बहुत अच्छी डॉग है हमसे करेगी और ये इम्पोर्टेंट डॉग है। आप सबके मन में बहुत क्यूरियोसिटी है कि आज क्या होने वाला है, कौन सी बातें हम आपसे करेंगे और कौन कौन सी नई चीजें आज हमको सीखने को मिलेंगी। आज का सेशन हम शुरू करेंगे। आज के सेशन को शुरू करने से पहले हम आइस ब्रेकिंग करेंगे और वो क्या होता है, एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसी से हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे आपको जो एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देना है, एक अलग तरीके से होगा और ये अलग तरीका क्या है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप एक दूसरे को जानते हैं लेकिन अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद हम आपकी ज्ञान की सेवा करना है। अच्छा, आप सबको मालूम है कि आपको कौन सा क्लास करना है, बताना नहीं है, बल्कि और नंबर को मुझे कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है जानते हैं ना। हमें कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है। अभी क्या करना है, आप सबको दो लोगों की जोड़ी बनानी है, अपना अपना पार्टनर ऑप्शन दीजिए, किसी के साथ भी पार्टनर बन सकते हैं जो भी आपके साइड में खड़े हो और जोड़ी बना करके आपको उनकी साथ में तीन बातें शेयर करें। ठीक है, जोड़ी बना लो बेटा, आप आवाज भी करेंगे, आप करेंगे ये भी सच में करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब तीन बातें कौन सी है, आपको सबसे पहले अपने पार्टनर को ये बताना है कि आपको कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है। और
सर आप मोबाइल जो प्रश्न आपको नीचे ज्यादा कर सकते हैं यह वर्जन है और उनका भी वजन आ रहा है कि क्या आग बंद करो आग और जैसे ही क्या होगा आपको शेयर करना है सेटअप बन रहा है जल्दी सेटअप करेगा तो सर रविंद्र जी भी आ गए हमारे साथ सर भी आ गए जैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी वैसी ही पावर्स आपको पसंद होगी जैसी आपकी पर्सनैलिटी है वैसी ही चीजें आपको पसंद होगी तो कोई भी चीज जब होती है तो जब आप अपनी अपनी पसंद को समझते हैं तो वही वैल्यू आपके अंदर है तो आप अपनी वैल्यू को भी समझ जाते हैं कि यही क्या वैल्यू है क्योंकि जो वैल्यू आप दूसरे देखते हैं जो लोग उसकी वैल्यू है वो हमारी वैल्यू वो हमारी कोर वैल्यू है तो इस एक्टिविटी में हमने ये स्टार्टिंग हमने भी सीखी तो अभी हमारे सामने रविका जी हैं जो वैशाली से हमारे पास आए हैं आज का सेशन जिसका टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इन अपॉर्चुनिटी तो मेरी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आएंगे और इस विषय के बारे में आपसे से बात करें Good afternoon, and respected to some very teaching staff in my celebrity, or Rasa Bhai Bhai, Chari Prince Kevin, or Chari Bhai Bhai Bhai, maybe Naa Sabhi, Abhi Jaha Par Khaye Hai, Kisi Sarakar Usko Gaan Par Hamdi Thay, और हम उससे आगे आ गए लेकिन आप सभी की एनर्जी और बहुत उत्साह को देख करके हमें कोई पुराने दिन याद आते हैं और यही सभी टीचर्स से यही सभी गुरु जाते हैं जिनके कारण आज यहाँ पर इस मुकाम पर हम खड़े हैं और मुझे छोटी सी बात याद आती है वो पुरानी बात है एक बार ऐसे भी शाम का समय था संध्या वेला का समय आप सभी को मेरे शहर की हवा ज्यादा आप सबको मिलना है और जो लोग ग्रामीण परिवेश के गाँव के एरिया को देख रहे हैं इंडिया को देखा ही होगा और जो सचमुच
एक्सपीरियंस है वो सभी जानते हैं। जब शाम का समय होता है बहुत सारी चीजें चेंज हम देखते हैं तो दिन भर के अंदर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल गाँव एरिया में अगर आपको सड़क मिला की सड़क पर जानी है तो वहाँ आप देखते हैं गाय को हमने दिन भर में छोड़ा हुआ था इधर उधर चढ़ने के लिए इधर उधर घूम रही हो। जैसे ही वो बहुत दूरी का समय आता है गाय भैया जो है पूरी दल दल सहित वापस अपने घर की ओर पहुंचती है। गाय भी करना उसे पता होता है उसे वापस कहाँ जाना है। वैसे ही वो दूरी का समय था जब सूर्य अस्त हो रहा था और दिन भर का जो उजाला है धीरे धीरे सारा काम हो रहा था और जस्ट इमेजिन कि उस समय का दृश्य कैसा होता है। जैसे जैसे प्रकाश कम होता जा रहा है सूर्य अस्त हो रहा है तो पंछियों की जो चहचहाहट है वो भी कम होती जा रही है और आवाज है आना जाना है हलचल है वो सब भी कम होता जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि आसपास जो भी एक प्रकृति का नजारा था वो बहुत स्पष्ट उसकी भी आवाज सुनाई दे रही थी। फॉर एग्जाम्पल वहां पर आस पास झरने से जो पानी बह रहे थे वो पानी की आवाज कल 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 सुनाई दे रहा है। जो पंछी है वो भी अपनी आवाज को कम करते जा रहे मौसमों की और अपने वो लौट कर रही थी। और ऐसे समय पर एक मैदान में देखते कि एक झोपड़ी है उस झोपड़ी से कुछ रोशनी आ रही और वो ढलते हुए सूर्य ने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा दीपक है जो बाहर निकल करके आ गया है उस झोपड़ी से बाहर और टिमटिमा रहा है सो उनका अलग प्रकाश है जल रहा है प्रज्वलित है वो और कुछ उसमें अभी भी अमाउंट ऑफ ऑयल है जिसके कारण वो चल रहा है। तो ढलते हुए सूर्य ने टिमटिमाते हुए उस दीपक को पूछा कि मेरे अस्त होने के बाद इस दुनिया को कौन रोशनी देगा। क्योंकि पूरा पीसफुल टाइम है जैसे अभी आप सब बिल्कुल पीसफुल हो गए ना तो उस समय किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर से ढलते हुए सूर्य ने उस दीपक को पूछा कि मेरे ढलने के बाद इस दुनिया को कौन रोशनी देगा मेरे ढलने के बाद इस दुनिया को कौन रोशनी देगा। और वो टिम टिमाता हुआ दीपक का प्रकाश एकदम से बढ़ जाता है और वो दीपक ये कहता है कि आपके ढलने के बाद इस दुनिया को मैं प्रकाश दूंगा आपके ढलने के बाद इस दुनिया को मैं प्रकाश दूंगा। तो सूर्य ने कम पाया हर रोज कोई कमी है हर रोज कोई कोई नई बात बदला शांति कैसे है नॉर्मल है ना सब ठीक तो है इसमें तनाव होता है तनाव के क्या करना है अभी ऐसी दोस्ती छोड़नी है क्योंकि तनाव चर्चा भी हम करते हैं अपने अंदर अगर हम नेगेटिविटी को अडॉप्ट करते हैं तो हमारी बहुत सारी एनर्जी जो है वो ड्रेनआउट हो जाता है। अब मन जो है हमारे से बहुत अच्छी तो एक एनर्जी है वो है माइंड हमारे पास मन की बहुत अच्छी शक्ति है जो सभी के पास है या नहीं क्या भगवान भूल गए हैं मिसिंग पॉइंट ऐसे तैयार कर दिया है माचा जैसे देखो बातचीत में कह रहे हैं क्या तो बुद्धि नहीं है क्या सच में बुद्धि इसकी नहीं होता है भगवान से गलती नहीं होती है। भगवान ने हर एक को मन बुद्धि संस्कार दिया हुआ है और जिसका एक स्पिरिचुअल वर्ड हम यूज करते हैं उसके अंदर सोल है उसके अंदर आत्मा है। इसलिए हर कोई चीज खाने के बाद आ जाए वो भी नेचुरल नहीं है बच्चा उस लगता है कुछ फर्क अगर किसी का ये केस तक पहुंच गया तो लेकिन अगर 60,000 विचार चलने का आपको पता चल गया कि मेरे अंदर इतने सारे नॉक्स का थॉट आ रहे हैं और वो अगर आपने ध्यान नहीं दिया अभी तक तो आज कभी मास्टर ऑफ योर मॉलिंग
अपने मन को एकदम शांत करो। अपने मन के विचारों को विचारों की गति को धीमा करते जाओ। इन कानों के द्वारा सुनने वाले इस मुख के द्वारा बोलने वाले
नई ऊर्जा, एक चैतन्य मैं वो पाप हूँ, अपनी शक्ति को पहचान और अनुभव करें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा एक भाग्यवान आत्मा अपने जीवन में मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। ऐसे मेरे लिए भाग्य का सितारा चमक रहा है। परमात्मा जिसने हम ईश्वर अल्लाह है खुदा और जब हम इसको रियलाइज करते हैं नहीं करते हैं तो हम ये प्रभावों को पढ़ना की शक्ति को बच्चे का काम बच्चा क्या करता है कई बार आप इसलिए देखते हैं आजकल के समय पर माता पिता बहुत सारे बच्चे नहीं पहले भी जमाने की तरह ऐसे एक बच्चे हम लोग हमारे तो या फिर एक बच्चा ही होता है एक दो बच्चे तो क्या करते हैं बच्चे को लगातार कोई ना कोई काम में इन्वॉल्व करते हैं। पहले बच्चा स्कूल जाएगा फिर स्कूल साथ ही ट्यूशन जाएगा ट्यूशन साथ ही स्विमिंग में जाएगा स्विमिंग साथ ही फिर कुछ और एक्टिविटी हॉबी क्लासेस में जाएगा ऐसे करते करते बच्चा होमवर्क करते करते लास्ट में इतना थक जाता है कि सोने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं पर उससे उसकी नॉर्मल पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाता है और वो गलत विचार गलत संग या कोई भी प्रकार के नेगेटिविटी से वो बच जाता है। ऐसे अगर हमारे मन स्थिर नहीं हो पाता है तो बच्चे ये है कि हम अपने मन को बिजी नहीं कर पाते तो जब हमें मेडिटेशन करना है या कोई भी स्टडी अगर हमें करनी है और उस पर हमें कॉन्सेंट्रेशन करना है उस पर करना है तो फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर डूइंग दैट वर्क व्हाई वी आर डूइंग स्टडी तो उसका इम्पोर्टेंस पता होना तो आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा फोकस करेगा। और दूसरा हमें हर समय पर अपने मन को कुछ पॉजिटिव या अच्छे विचारों से भर करके रखना और उसके लिए हमें कुछ बेस्ट सेलर जैसे बुक्स होता है जैसे मुझे जो मालूम है जैसे दीपक चोपड़ा है शिव केदार जी है मुझे तो मैनेजमेंट अच्छे गुरु रहे हैं और अच्छे बुक्स लिखते हैं और हम बेस्ट सेलर बुक्स या मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जानते हैं चाहे आप वो यूट्यूब में सुनते हैं अगर आप मोबाइल पर मिले आप लाइब्रेरी में जाकर कैसे बुक्स पढ़ते हैं तो आपके पास अच्छे विचारों का कलेक्शन होने से आपको कोई भी रोक सकता है और वो विचारों का अगर आप बार बार चिंतन करते हैं तो वो आपका कॉन्सेंट्रेशन को और स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है और आपकी मानसिक शक्ति को आपने आपके अनुभव के द्वारा रखे और बच्चों को जाकर सीता सही हमारे गुरु जनों को इसका लाभ मिलेगा और जीवन में इस तरीके से मैं तो कहूंगा कि हर बार हर बैठक में इस प्रकार का मेडिटेशन प्रोग्राम या इस प्रकार की स्पेशल बातें होनी चाहिए। मैं अनुभव कर रहा टीम दल से कि वो लोग स्टेज पे आए और वीडियो और
बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है दीदी।